यदि हम बात रिटायरमेंट की करें तो रिटायरमेंट एक ऐसा समय होता है जिस अवस्था में मनुष्य का शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लगता है। उसके अपने भी अपने दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि उसका साथ धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। यदि हम अभी से ही अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग शुरू कर देते हैं तो रिटायरमेंट के बाद जब हम बुढ़ापे में पहुंचते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो उस समय हमें अपने दवाई के खर्चों के लिए व अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने बुढ़ापे को ठाठ के साथ व्यतीत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपके रिटायरमेंट के बाद का जीवन सुचारू रूप से चलता रहे, आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर भी डिपेंड ना रहना पड़े, तो जितना जल्दी हो सके आपको किसी बेस्ट पेंशन प्लान के तहत, जिसे रिटायरमेंट प्लान भी कहते हैं, अभी से ही अपने पैसों का निवेश शुरू कर देना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास इतना पैसा हो कि उस पैसों से मिलने वाले इंटरेस्ट पर आप अपनी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकें। यदि आपको किसी बेस्ट प्लान के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को SBI लाइफ इंश्योरेंस का SBI लाइफ सरल रिटायरमेंट सेवर पॉलिसी के बारे में जानकारी दूंगा। ज़्यादातर पेंशन प्लान ऐसे होते हैं जिनमें आपको प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलता, लेकिन SBI लाइफ सरल रिटायरमेंट सेवर पॉलिसी में आपके पास प्रीफर्ड टर्म राइडर का ऑप्शन होता है। यदि पॉलिसी लेते समय आप SBI लाइफ प्रीफर्ड टर्म राइडर ऑप्शन का चुनाव करते हैं और प्रीफर्ड टर्म राइडर ऑप्शन के तहत जो भी सम असोर निर्धारित करते हैं उतने रुपए का लाइफ कवर पॉलिसी टर्म के दौरान आपके ऊपर चलता रहता है। SBI लाइफ सरल रिटायरमेंट सेवर पॉलिसी में आपको पहले 3 साल तक आपके द्वारा तय की गई बीमा की राशि का 2.50% गारंटीड एडिशंस के रूप में तथा अगले 2 साल तक बीमा की राशि का 2.75% गारंटीड एडिशंस के रूप में दिया जाता है। यानी कि पहले 5 साल तक, जिसमें पहले 3 साल आपके द्वारा निर्धारित की गई बीमा राशि का 2.50% और अगले 2 साल आपके द्वारा तय की गई बीमा राशि का 2.75% एक्स्ट्रा गारंटीड इनकम के रूप में आपके फंड वैल्यू में ऐड किया जाता है। उदाहरण के तौर पे हम मान लेते हैं कि पॉलिसी लेते समय आपने बीमा की राशि 10 लाख रुपए निर्धारित किया, तो उस कंडीशन में 10 लाख का 2.5% यानी कि 25,000 पहले 3 साल तक लगातार आपके फंड वैल्यू में ऐड होगा। उसके बाद अगले 2 साल तक 10 लाख का 2.75% यानी कि 27,500 रुपये आपके फंड वैल्यू में ऐड होता है। पॉलिसी टर्म 5 साल से 40 साल तक का होता है तथा प्रीमियम का भुगतान आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो सिंगल प्रीमियम का भुगतान करके भी SBI लाइफ सरल रिटायरमेंट सेवर पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपका पॉलिसी टर्म कम से कम 5 साल का होना चाहिए, लेकिन यदि आप पॉलिसी लेते समय रेगुलर प्रीमियम वाले ऑप्शन का चुनाव करते हैं जिसके तहत आपको पॉलिसी टर्म के अंत तक एक निश्चित राशि प्रीमियम के रूप में भुगतान करना होता है, तो उस कंडीशन में आपका पॉलिसी टर्म 10 साल से लेकर 40 साल तक का होता है। यदि SBI लाइफ सरल रिटायरमेंट सेवर पॉलिसी लेते समय पॉलिसी होल्डर द्वारा SBI लाइफ प्रीफर्ड टर्म राइडर ऑप्शन का चुनाव किया जाता है तो उस कंडीशन में बीमा की राशि प्रीफर्ड टर्म राइडर के तहत कम से कम 25,000 और अधिक से अधिक 50 लाख रुपए तक का होता है। प्रीफर्ड टर्म राइडर का बीमा राशि कभी भी पॉलिसी के बीमा राशि से अधिक नहीं हो सकता और पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में सिंपल रिवर्शनरी बोनस प्लस में टर्मिनल बोनस प्लस में वेस्टिंग बेनिफिट का लाभ दिया जाता है।
जब पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है और जो भी आपका मैच्योरिटी बेनिफिट बनता है, तो पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर जो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट का अमाउंट होता है, उस अमाउंट से आपको अन्युइटी परचेज करना होता है। उस अन्युइटी पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, जिस मोड में चाहें और जितने समय तक चाहें ले सकते हैं। आपके पास यहाँ एक ऑप्शन और होता है कि पॉलिसी टर्म के पूरा होने पर जो भी आपका मैच्योरिटी बेनिफिट बना, यदि आप उसमें से पैसों को लेना चाहते हैं, तो अपने मैच्योरिटी बेनिफिट का 60% आप ले सकते हैं, बाकी के 40% से आपको अन्युइटी परचेज करना होता है। क्योंकि एसबीआई लाइफ सरल रिटायरमेंट सेवर पॉलिसी एक रिटायरमेंट प्लान है, और रिटायरमेंट प्लान के तहत मैच्योरिटी बेनिफिट के अमाउंट से अन्युइटी परचेज करना होता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग एसबीआई लाइफ सरल रिटायरमेंट सेवर पॉलिसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके होंगे। इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।